क्या आपको पता है आखिर क्यों भगवान शिव ने दिया था माता पार्वती को श्राप, और इस श्राप के कारण माता पार्वती को किस प्रकार का जीवन जीना पड़ा था। माता पार्वती और भगवान शिव के प्रेम और समर्पण की कथा तो हम सदैव ही सुनते आ रहे हैं। शिव सती का प्रेम हो या शिव पार्वती का विवाह, ये कथा काफी प्रचलित है। लेकिन एक कथा ऐसी भी है जिसमें माँ पार्वती को भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ता है, और क्रोध में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया। तो चलिए जानते हैं आखिर वह प्रचलित कथा कौन सी है। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव सृष्टि से जुड़ी कथा माता पार्वती को सुना रहे थे। शिव जी सृष्टि के रहस्यों को बताने लगे तो माता पार्वती पहले तो बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। तभी माता पार्वती कथा सुनते सुनते मन में ही कहीं खो जाती हैं। इसी तरह शिव जी कथा सुनाते रहे लेकिन माता पार्वती तो दूसरी दुनिया में ही खोई रही। तब भगवान शिव को एहसास हुआ कि माता पार्वती ध्यान नहीं दे रही हैं। तो भगवान शिव कथा को रोककर पूछते हैं, पार्वती क्या तुम मेरी कथा को सुन रही हो? परंतु काल्पनिक दुनिया में खोई माता पार्वती भगवान शिव को कोई जवाब नहीं देती हैं। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती वापस दुनिया में आई, तब भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान की अवहेलना की है। जब कोई शिक्षा दे रहा हो तो आपका ध्यान कभी भी भंग नहीं होना चाहिए। और इसी कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में आकर भगवान शिव ने माता पार्वती को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, आपका जन्म मछुआरे के परिवार में होगा, जहां आपको अपना जीवन एक अशिक्षित परिवार के साथ व्यतीत करना होगा। श्राप के फलस्वरूप माता पार्वती किसी मछुआरे के गांव में पहुंच गईं। वहां गांव के मछुआरे मुखिया की कोई भी संतान नहीं थी। प्रतिदिन की भांति वह मछली पकड़ने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक बच्ची दिखी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। बच्चे के साथ कोई भी नहीं था। मुखिया ने आसपास बच्चे के माता पिता को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं मिला। तो उसने उस बच्चे को उठा लिया और भगवान का शुक्रिया किया कि आपने मेरे परिवार में एक बच्ची भेजी, और वह मछुआरा खुशी खुशी उस बच्चे को अपने घर ले गया। हैरानी की बात यह है, उसके परिवार ने मिलकर उस बच्ची का नाम पार्वती ही रखा। साथ ही उसका परिवार उसका भली प्रकार पालन पोषण करने लगा। तो एक दिन भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपनी पत्नी को याद करने लगे। उधर मृत्यु लोक में जब पार्वती विवाह योग्य हुई तो भगवान शिव ने अपनी गण नंदी को धरती पर भेज दिया। धरती पर आने के बाद नंदी ने एक विशाल मछली का रूप धारण कर लिया। वह उसी गांव में उत्पात करने लगी जहां माता पार्वती व उनके परिवार व गांव के लोग मछली पकड़ने जाया करते थे। मछली रूप में नंदी ने गांव की नदी में भारी उत्पात मचाया और सभी को मछली पकड़ने में परेशानियां खड़ी कर दी। नौबत ये आ गई कि सभी मछुआरे परेशान हो गए और गांव के मुखिया के पास गए, क्योंकि वे मछली बेचने व मछली खाने के लिए भी पकड़ नहीं पा रहे थे, और कोई भी मछुआरा उस बड़ी मछली को पकड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। सभी मछुआरों को भय था कि इतनी बड़ी मछली कहीं उन पर हमला कर दे और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तब माता पार्वती के पिता जो कि वहां के मुखिया थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा, जो भी उस बड़ी मछली को पकड़ लेगा वह अपनी पुत्री पार्वती का विवाह उसी से करेंगे। और तभी भगवान शिव ने मछुआरे का रूप धारण किया और उस नदी में जा पहुँचे जहाँ की बड़ी मछली रहती थी। तो महादेव ने उस नंदी रूपी मछली को उस नदी से भगा दिया और उसके पश्चात सारे गांव वाले तथा मुखिया जी खुश हो गए। शर्त के अनुसार भील कबीले के मुखिया ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह मछुआरे शिव के साथ करवा दिया। और इसी प्रकार एक बार पुनः माता पार्वती और शिव जी का मिलन हुआ था। इसीलिए भगवान ने प्रकृति के बीच संघर्षपूर्ण जीवन बिताने वाले मनुष्यों के बीच अवतरित होकर उनका सुख दुख समझा, बल्कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। इसीलिए बाकी सब देव हैं, लेकिन सिर्फ महादेव हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें कि हमने जाना कि आखिरकार क्यों भगवान ने क्रोध में आकर माता पार्वती को श्राप दिया था, और इस श्राप से जुड़ी संपूर्ण कथा को हमने इस वीडियो में जाना। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसी तरह की भक्ति स्पेशल सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। Thank you for watching. Have a nice day.